ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने कांग्रेस की सूची पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने डरते हुए सिर्फ 30 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, वो भी घिसे पिटे चेहरों के साथ। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सूची जारी हुई वो भी मात्र 30 लोगों की, डरते सकुचाते कांग्रेस पार्टी ने जब 30 लोगों की मात्र सूची जारी करी है, और जो 30 लोगों की सूची जारी की है उसमें भी आश्चर्य की बात ये है कि बहुतायत पुराने चेहरे ही रिपीट किए गए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब 30 लोगों की सूची जारी करी और जिनकी सूची जारी हुई है पुराने चेहरे, घिसे पिटे चेहरे, जिनका मैदान में कहीं कोई औचित्य नहीं है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इस सूची के साथ कांग्रेस पार्टी की हार तय हो गई है। इसकी पहली सूची पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आज 30 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। 15 साल तक जिन्होंने वादा खिलाफी की, छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटा, जनता जिन्हें सबक सिखाने के लिए इंतजार कर रही है, ऐसे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं। नवरात्रि के पहले दिन सूची जारी करके कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अपने आप को सनातन प्रेमी होने का दिखावा कर रही है, वहीं लगातार जिस प्रकार से कबीरधाम से शिवलिंग गायब होने की घटनाएं हुई है, दुर्ग भिलाई में माँ पार्वती के साथ अभद्रता हुई है, और 5 साल से इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, चाहे कबीरधाम की घटना हो, बीरनपुर की घटना हो, भिलाई की घटना हो, और कांग्रेस का कभी भी सनातन से कोई श्रद्धा और आस्था नहीं रही है। जिस प्रकार से शासन प्रशासन ने नवरात्रि के पावन पर्व पर अनेक प्रकार की बंदिशें लगाकर सनातन प्रेमियों के श्रद्धा और आस्था को रोकने का कोशिश किया है, तो ये इस प्रकार का ढोंग ना करे, चाहे गंगा जल वाल के मामले में भी जिस प्रकार से कांग्रेस यही बताता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, और इसलिए अपने विधायकों की टिकट काटनी पड़ी है। पर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया, ऐसे लोगों को फिर से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मैदान में उतारा है, और अभी केवल 30 प्रत्याशियों की ही सूची जारी कर पाई है। ये बताता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी डरी हुई, घबराई हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने चित्रकूट से टिकट मिलने पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पार्टी फिर से जीत का नया कीर्तिमान बनाएगी। सुनिए। दीपक बैज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और आखिर प्रत्याशियों के नाम जो हैं वो आ चुके हैं जिसका इंतजार था, लेकिन अभी सूची और बाकी है। सर, आप लोगों ने अगर हम बात करें तो ये जो सूची दी है 8 विधायकों के नाम को काट दिया है। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आज हम लोग का पहला सूची आया है, कांग्रेस आला कमान ने जारी की है, नवरात्रि की बधाई। लेकिन जो सूची जारी हुआ वो पूरे पूरे जीतने वाले प्रत्याशी हैं, हाई कमान का निर्णय है। अगर किसी एमएलएस का अगर टिकट कट गया हो, कहीं कमी बेसिक और कुछ चीज ऐसा रहा हो जो हाई कमान का निर्णय है, क्योंकि हम लोग सभी रिपोर्ट हाई कमान को दे दिए थे और हाई कमान के पास ऑलरेडी सर्वे रिपोर्ट था, सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही सिर्फ विनिंग कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है, तो निश्चित रूप से सबको स्वीकार्य है। और हम लोग इस लिस्ट से हम लोग का पूरे प्रत्याशी बेहतर है, हम लोग पहला चरण का 20 से 20 सीट से हम जीत के आएंगे। ये जो लिस्ट आपने भेजी है सर, आप जरूर कह रहे हैं कि हाईकमान का निर्णय है, लेकिन इसके पहले अगर हम बात करें तो सर्वे रिपोर्ट सर्वे किया गया है, उनकी रिपोर्ट ली गई है, नेगेटिव मार्किंग भी जरूर आई होगी, और लगातार कांग्रेस कहती रही है कि विनिंग कैंडिडेट को देंगे। इसका मतलब ये है कि बाकी के भी जो सूची आने वाली है उसमें और भी जो विधायक है उनके लिए अलार्मिंग है। देखिए, मैं आने वाला सूची में किसका क्या होगा मैं तो कह नहीं सकता, लेकिन आने वाला सूची भी बेहतर रहेगा, और उस सूची में भी जो जीतने वाला प्रत्याशी रहेगा टिकट उसी को ही मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सरकार हमको बनाना है, इसलिए हाईकमान कहीं पे भी कोताही नहीं बरत रही है। हमारा 1 से लेकर 90 सीट तक विनिंग कैंडिडेट रहेगा और छत्तीसगढ़ में सरकार भी बनेगी। दीपक बैज जो है वो अब विधायकी के लिए लड़ेंगे, न्यूज 18 लगातार कहते आ रहा है, और हमने दिखाया भी था कि आप चित्रकूट से लड़ेंगे,
क्या महसूस कर रहे हैं लोकसभा और विधानसभा के बीच में, और दूसरी पीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, पूरे प्रदेश को भी जिम्मेदारी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी है। जब से मैं पीसीसी के अध्यक्ष हालाकमान ने बनाया है, तब से बड़ी जिम्मेदारी है और काम कर रहे हैं। हाईकमान का निर्णय है, मुझे भी टिकट दिया, लेकिन इससे कहीं भी चुनाव प्रचार प्रभावित नहीं होगा। चित्रकूट की जनता पे भरोसा है, हमारे कार्यकर्ताओं पे भरोसा है। मुझे लगता है कि शायद अगर हाईकमान ने निर्णय लिया, सोच समझ के निर्णय लिया, इससे बस्तर को फायदा होगा। दूसरी सूची कब आएगी सर? दूसरी सूची अभी 17 तारीख छोटी सी बैठक है, और उसके बाद 17 तारीख के बाद कभी भी आ सकती है, तो हाईकमान के ऊपर है। देवती कर्मा का भी टिकट काटा गया है, हालांकि दीपक बैज का कहना है कि परिवार की जो सहमति थी उसके आधार पर उनके बेटे को जो है वो टिकट दी गई है। लेकिन बड़ी खबर ये है कि बाकी की जो सीटें हैं वो उनको लेकर जो है वो कब नाम आएंगे, और उसको लेकर उनका कहना है कि बाकी की सीटों को लेकर जो है 17 तारीख को बैठक होगी और उसमें पूरे नाम आ जाएंगे। कैमरा पर्सन राजीव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। मंत्री अमरजीत भगत ने टिकट मिलने पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया। भगत ने कहा कि लगातार पांचवी बार पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया। अमरजीत हमारे साथ, अमरजीत भगत हैं, जैसा नाम वैसा काम। अमरजीत लगातार 4 बार से सीतापुर विधानसभा से जीत हासिल किए हैं, इस बार 5वीं बार हाईकमान ने आपको मौका दिया। मैं हाईकमान के प्रति, पार्टी सुप्रीमो के प्रति, पूरे संगठन के पदाधिकारियों के प्रति, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि लगातार 5वीं बार मुझे ये अवसर प्रदान किए हैं, और क्षेत्र की जनता के प्रति भी बहुत आभार और धन्यवाद कृतज्ञता की मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। मैं भी सब लोगों को अपने परिवार के जैसा प्रेम करता हूं और विश्वास करता हूं। सभी लोग चाहे मरनी हरनी हो, शादी ब्याह हो, छठी बरी हो, सब में न्योता भी देते हूँ, मैं जाता भी हूँ। ये जो विश्वास आपसी सद्भावना है बना रहे, यही मैं सब माता रानी से और सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, उसे मन्नत करता हूँ। 20 साल एक लंबा वक्त होता है जब आप सीतापुर विधानसभा क्षेत्र को दिया, पहले के जो सीतापुर और आज के सीतापुर में कितना अंतर? पहले के सीतापुर ये था कि पहली बार जब मैं ना लोगों को जानता था ना लोग मुझे जानते थे, और इसके बाद दूसरी बार लोग जाने पहचाने, तीसरी बार लोगों का विश्वास बढ़ा, चौथी बार और बढ़ा, पांचवी बार और बढ़ेगा। श्रवण महंत, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर। पूर्व सीएम रमन सिंह ने राजनांदगांव से गिरीश देवांगन को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर कहा कि कांग्रेस से कौन मेरे सामने लड़ता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैसला तो जनता को करना है। आगे उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। फर्क नहीं पड़ता के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही होता है, और हम मजबूती से लड़ेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आपके सामने गिरीश देवांगन जी को उतारा गया, कोई भी लड़े, कांग्रेस का ही प्रत्याशी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तैयार है। लगातार दूसरी बार जो है बाहरी प्रत्याशी को उतारा जा रहा, क्या लगता है राजनांदगांव में कांग्रेस का कोई नहीं आपके सामने? फैसला राजनांदगांव की जनता को करना है, उनका फैसला अंतिम होगा। तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने लिस्ट जारी होने के बाद क्या कहा ये भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मेरे साथ हैं। सर, आज लिस्ट जारी हो गई, नवरात्र का पहला दिन जैसे आप लोग दावा कर रहे थे, एक जीत की नींव रख दी गई? बिल्कुल, जीत की नींव है, और हमने सबसे चर्चा करके बड़े ध्यान से ये फैसला किया है। इसमें 65 ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे उम्मीदवार हैं जो 50 से कम हैं, 19 महिलाएं हैं, यही हमेशा कहते थे, हमने प्राथमिकता दी। तो सर, जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस, हमने अपना वादा किया था, हम पूरा कर रहे हैं सर, आगे भी करेंगे। कांग्रेस ने बुधनी से विक्रम मत्साल जो टीवी एक्टर हैं उनको उतारा है, कैलाश विजयवर्गीय के सामने संजय शुक्ला हैं, तो क्या ये दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं, दोनों बड़े नेता हैं भाजपा के जिनको आप टक्कर देंगे? बिल्कुल, हमारा जो विक्रम मत्साल है बड़ा मजबूत है,
सब लोग पहचानते हैं घर घर में, उसको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं। अरुण यादव जीत नहीं पाए थे सर 2018 में, क्योंकि उतनी बड़ी शख्सियत अरुण यादव, वो सब पुरानी बातें रहे। राजनीति में बहुत परिवर्तन है, आज मतदाता बहुत समझदार है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट किया, जैसी लिस्ट जारी की तो उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि बीजेपी की लिस्ट से साबित है कि परिवारवाद, महिला अपराध, अपराध और भ्रष्टाचार ये साबित हो रहा है इस सूची से। ये अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। चल तो कमलनाथ साहब कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था सूची में वो पूरा किया है और साथ ही बीजेपी को भी नसीहत दी कि वो अपनी चिंता करें, हमारी नहीं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज 18। छतरपुर में कांग्रेस की सूची आते ही जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। छतरपुर सीट से दोबारा प्रत्याशी बनाए जाने पर आलोक चतुर्वेदी से बात की हमारे संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार ने। कांग्रेस की पहली सूची जारी होते ही छतरपुर जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों पर पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमारे साथ हैं छतरपुर विधानसभा के प्रत्याशी आलोक चतुर्वेदी जी और पज्जन भैया, उनसे जानना चाहते थे पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, कितना भरोसा जताया, कितने खड़े उतरेंगे? पार्टी ने पुनः शीर्ष नेतृत्व ने हमारे खड़गे जी ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरजेवाला जी, पूरे नेतृत्व ने जो मुझ पर पुनः छतरपुर विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाकर जो विश्वास किया है, निश्चित रूप से मैं भी और छतरपुर विधानसभा की अन्य सीटों पर जो प्रत्याशी आज जिनको प्रत्याशी घोषित किया है, सभी विधानसभाओं पर पूरी दमदारी से चुनाव लड़कर जीतकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। चाचा आपके लिए डबल गिफ्ट मिला है, आज आपका जन्मदिन है और आज ही आपका नाम घोषित हुआ प्रत्याशी के रूप में, कितना शुभ दिन मानते हैं इसको? निश्चित रूप से अकेला जन्मदिन नहीं है, आज से शरदीय नवरात्रि भी शुरू हो रही है और कांग्रेस की पहली सूची भी आज जारी हुई है। निश्चित रूप से ये मेरे लिए भी, क्षेत्रवासियों के लिए भी शुभ दिन पर ये दो दो तीन तीन उपहार मुझे मिल रहे हैं। जनता और मेरे क्षेत्रवासी मुझे पुनः आशीर्वाद देंगे और पुनः भोपाल प्रतिनिधित्व करने के लिए क्षेत्र का भेजेंगे। टिकट को लेकर आप पहले से भी आश्वस्त थे, आपके कार्यकर्ता भी थे, सिर्फ औपचारिकता होने थी, कितने आश्वस्त थे आप? नहीं, ये बात ठीक है कि मैं आश्वस्त था, लेकिन जब तक आधिकारिक तौर पर सूची जारी नहीं हो जाती है तब तक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मन में शंका बनी रहती है। आज आधिकारिक तौर पर घोषणा शीर्ष नेतृत्व ने कर दी है, अब सब लोग, मेरे कार्यकर्ता, मेरे साथी, सब लोग दम से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में विजय होकर आगे आएंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ आलोक चतुर्वेदी जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनका नाम जैसे ही घोषित हुआ है पूरी दमखम के साथ वह जनता की अदालत में जाएंगे और उनको उम्मीद है कि जनता उनको विधायक बनाकर भोपाल पहुंचाएगी। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज 18, छतरपुर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत के सितारों को संबोधित किया और क्या कहा आपको सुनाते हैं। ₹140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है, इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को IOC का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट्स सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि
दिलों को जीतने का माध्यम है। तो इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य नीता अंबानी ने कहा कि 40 सालों के बाद देश में भारत में पहली बार मुंबई में इस ऐतिहासिक आईओसी सत्र की मेजबानी करना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री, हम बेहद खुशी से भरे हुए हैं कि आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, नए भारत के वास्तुकार हैं। खेलों के लिए आपके समर्थन ने भारत में इस सत्र को वास्तविकता बना दिया है। सुनिए नीता अंबानी ने क्या कहा। Members and we are filled with immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries, and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. In our culture, we say, Atithi Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri, a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance, and festivity that signifies the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious, and linguistic barriers. The other is India, the world's largest democracy, as the host of this meeting. The mantra and motto of our 5,000-year-old civilization is Vasudeva Kutumbakam, which our Prime Minister declared as the theme at India's presidency of the G20 summit last month. It means the entire world is one family. Today, more than ever, our world needs to reunite in fraternity and solidarity. This cannot happen on battlefields. It can only happen on sports fields. और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज 18।